सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम विकारी पद पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि वाक्यों में जो पद परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी पद कहा जाता है, जैसे कि हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो उनमें से हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, तो बच्चों आइए आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? वाक्यों में जो पद संज्ञा के बदले, संज्ञा के लिए या संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं कह रही हूं राम जाता है, फिर हम फिर से कहेंगे राम खाता है, तो राम ना कहकर हम कहेंगे वह खाता है। तो देखिए यहाँ पर ये राम संज्ञा के लिए हमने किसका प्रयोग, किसको प्रयुक्त किया? वह को। तो ये वह एक क्या है? सर्वनाम। तो हम संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त करते हैं जो पद, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो आइए बच्चों आज सर्वनाम को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ये जो सर्वनाम होते हैं वे वाक्य में आपका एक कर्ता हो गया, फिर वाक्य में कर्म होते हैं, फिर वाक्य में पूरक होते हैं। इनके स्थान पर ये आ सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कर्ता वह खाता है, तो देखिए यहाँ पर कर्ता के बदले आपका सर्वनाम आया है। फिर उसको बुलाओ, ये आपका कर्म हो गया, कर्म के स्थान पर हो गया ये। तो देखिए बच्चों ये कर्म के स्थान पर आ सकता है। फिर पूरक के स्थान पर कैसे आता है? वह कौन है? तो देखिए बच्चों ये वह, फिर उसको, ये कौन, ये तीनों आपके सर्वनाम हो गए। तो लिंग के कारण आपके सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह खाता है अगर ये राम के लिए मैंने किया है, अगर सीता के लिए करूं तो क्या होगा? वह खाती है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन वचन के कारण ये परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे वह खाता है लेकिन वचन के कारण वे खाते हैं। तो बच्चों देखिए कैसे ये परिवर्तन हो गया। तो लिंग के कारण ये परिवर्तन नहीं होते हैं, वचन के कारण परिवर्तन होते हैं। परसर्ग के कारण भी इनमें परिवर्तन होता है। जैसे वह के साथ मैंने ने का प्रयोग किया, फिर क्या हो जाएगा? उसने। वे के साथ मैंने ने का प्रयोग किया, उन्होंने। तो देखिए परसर्ग के कारण ये कैसे परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों आपने देखा है कि कैसे लिंग के कारण, वचन के कारण और परसर्ग के कारण इनमें परिवर्तन कैसे आता है और कहीं पर नहीं आता है। इसलिए इसे विकारी पद कहा जाता है सर्वनाम को। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपके सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जो आपका पहला हो गया उसे कहते हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप पढ़े होंगे हिंदी में जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में आपके सर्वनाम हो गए मैं और हम, मध्यम पुरुष में हो गए तू, तुम, आप, अन्य पुरुष में हो गए वह, यह, वे और ये। तो बच्चों ये आपके हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम। जो दूसरा सर्वनाम हमारा है वह है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं पास या फिर जो दूर में हमारे जो व्यक्ति या वस्तु जो हमें निश्चिंत बोध कराते हैं, हम उनके लिए निश्चिंत बोध करते हैं कि हम उसे जानते हैं या फिर हमें हमें निश्चिंत बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो पास में होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? यह, और उनका बहुवचन क्या हो गया? ये। जो दूर में होते हैं वह वे, वह उनका बहुवचन हो गया वे। अभी आइए बच्चों अनिश्चयवाचक।
वो चाहे दूर में हो या पास में हो, लेकिन हम उनके लिए निश्चिंत नहीं हैं। तो ये हमें निश्चिंत बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चय वाचक कहते हैं। तो इनके लिए लगता है कोई, और क्या लगता है बच्चों? कुछ। तो देखिए, कोई किसके लिए लगता है और कुछ किसके लिए लगता है? कोई लगता है आपके प्राणी के लिए और कुछ लगता है आपके अप्राणी वाचक के लिए या फिर वस्तु के लिए। फिर आपका जो तीसरा हो गया वो हो गया आपका संबंध वाचक। जो चौथा आपका हो गया वो आपका हो गया संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम क्या होता है? जो किसी वाक्य में, जो किसी दूसरे पद संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाता है उसे हम कहते हैं संबंध वाचक। वह हो गया जो, ये कहाँ से आया है? वह से। और आपका हो गया वे। जो जा रहा है वह मेरा भाई है। तो देखिए, जो जा रहा है और मेरे भाई के बीच में यह संबंध दिखाता है, इसलिए इसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो आपका पांचवा हो गया बच्चों वो है प्रश्न वाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? प्रश्न पूछने के लिए हम जो सर्वनाम को प्रयुक्त करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। आपका हो गया कौन, और हम क्या पूछते हैं, और क्या पूछते हैं, क्या। कौन किसके लिए पूछते हैं? प्राणी वाचक के लिए पूछते हैं। और क्या किसके लिए पूछते हैं? वस्तु वाचक के लिए या अप्राणी वाचक के लिए। और आपका जो छठा हो गया बच्चों वो आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम एक ही है, वो है आप। आप जानते हैं आपका अर्थ क्या है? स्वयं, खुद। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जब कर्ता अपने बारे में कुछ कहता है उसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं वो आपका आप है। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जो सर्वनाम होते हैं वो लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन होते हैं, जो हम वचन में पढ़ चुके हैं। और कभी कभी क्या होता है, आपने देखा कि परसर्ग व्यवहार होने के कारण यह परिवर्तित होते हैं। तो परसर्ग में देखिए बच्चों, कर्ता कारक का परसर्ग आपको याद होगा, ने, को, से। तो देखिए, मैं के साथ हम ने का प्रयोग, मैंने, तूने, हमने, तुमने। तो बच्चों देखिए, यह के साथ आप ने जोड़िए क्या होगा? इसने। ये के साथ जब हम ने जोड़ेंगे, इन्होंने। फिर उस वह के साथ ने जोड़ेंगे, उसने। वे के साथ वो जोड़ेंगे, उन्होंने। ये आपका हो गया वह और वे। कोई के साथ ने जोड़िए, किसने। तो बच्चों इसी तरह आप फिर आपके देखिए, कौन के साथ ने जोड़िए, किसने। आपके साथ ने जोड़िए, आपने। तो उसी तरह हम लोग बच्चों अभी कर्ता कारक में हम लोग से का प्रयोग करेंगे। मुझसे, हमसे, तुझसे, तुमसे। फिर वह के साथ से का प्रयोग करेंगे, उससे, उनसे, इनसे। तो इसी तरह बच्चों आप देखना कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सारे आपके सर्वनाम हो गए उनके साथ आप कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकार, इन कारकों के जितने सारे परसर्ग चिन्ह हैं उनको इनके साथ इस्तेमाल करके अभ्यास कीजिए। जैसे कि संबंध कारक का जो हो गया आपका जो, जो को अगर हम कर्ता कारक में करेंगे तो क्या होगा? जिसने। बहुवचन में क्या होगा? जिन्होंने। कर्म कारक में क्या होगा? जिसको, फिर जिन्हें या जिनको। करण कारक में क्या होगा? जिससे, जिसके द्वारा या जिनसे। फिर संप्रदान कारक में क्या होगा? जिसे या जिसके लिए। उपादान कारक में क्या होगा? जिससे। बहुवचन में क्या होगा? जिनसे। संबंध कारक में क्या होगा? जिसका, जिसके और जिसकी। इसी तरह बच्चों हम अधिकरण कारक में क्या करेंगे? जिसमें या जिस पर। तो इसी तरह बच्चों आप लोग भी क्या करना, एक कर्ता को लेना,
और उसके साथ एक सर्वनाम को आप लेना, वो चाहे पुरुषवाचक से हो, निश्चयवाचक से, अनिश्चयवाचक से, प्रश्नवाचक या निजवाचक से। आप लेने के बाद क्या कीजिए, उसके साथ कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन सारों के जो परसर्ग चिन्ह है उन्हें लेके बार बार अभ्यास कीजिए। ज्यादातर परीक्षा में हमारे वह, यह, फिर आपके जो, कोई, क्या, इसके साथ परसर्ग लगा के आपके रूप परिवर्तन के लिए दिया जाता है। जैसे परीक्षा में आपको दिया जाएगा वह के साथ ने का प्रयोग करने से क्या होता है, आप क्या लिखना, उसने। उसी तरह बच्चों आप अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।